गुरु घर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश कदों होया? आओ भैन जी दसो, भैन जी तुसी दसो, इधर आले जिहड़े तुसी कोले नाल बैठे दे। हाँ जी तुसी भैन जी 1604 जी बोले सोनिहाल। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पहली बाणी केड़ी है? इहदा मतलब साडी 60 साल 40 साल 35 साल उम्र हो गई अजे तक असी अपने गुरु के दर्शन नहीं किए। देखो केवल बाहरों गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकना दर्शन नहीं ने, दर्शन ने बाणी दे ते जे बाणी दे दर्शन करांगे ते पता लग जाएगा स्टार्टिंग च किहड़ी है। ओ दसो बच्चा बेट जी गेट जी खड़े खड़े जप जी साहब, ये गुरु ग्रंथ साहिब की सब तो पहली बाणी है। गुरु ग्रंथ साहिब की सब तो अखीरली बाणी केड़ी है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच पहला राग केड़ा है? कौन ऐ बच्चे दसो, तुसी दसो। आहो श्री राग केड़ा शब्द है पहला? वेरी गुड बोले सोनिहाल। देखो श्री राग है पहला और उहदा पहला शब्द किन्ने कमाल दा है। साडे कोल जिन्ना मर्जी वड्डा साडा जिहड़ा घर है ना, घर टाइलां नहीं, गुरु साहिब कहिंदे ने साडे घर च सोना लगा होना चाहिदा, सोना ध्यान नाल सुनना, साढ़े घर दियां छत्तां जिहड़ियां ने ना ये हीरे मोतियां नाल लगियां होन, सिख कोल इन्ना पैसा होए, सिख कोल किन्नियां गड्डियां होन, उहदे कपड़े सब तों वधिया होन, बस शर्त एक है, मोती तां मंदर उस तरह रत्नी तां होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगन चंदन लीह पावै चाओ, पर लास्ट च कहिंदे ने मत देख भूला विसरै तेरा चित नावै नौ। जे परमात्मा का नाम तुहानू चेते है ना ते तुहाडियां कोठियां सारियां प्रवान। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच किन्ने पन्ने हन? जिहड़ा साडा गुरु है साडे गुरु च अंक किन्ने? चलो भैन जी तुसी दसो जी, तुस तुस ऐ भैन जी, और हाँ 1430 अंक। और बड़ी देखो सानू इहदे च कोई नहीं है, ये खुशी की गल है साढ़े मखणपुर वास्ते, हर एक पासे उपराला किया जा रहा है, अही कोशिश कर रहे हैं भी जो डिवेलपमेंट होए उस पासे भी खिच के लै जाइए, उधर भी मखणपुर अलग होए, साडा मखणपुर जिहड़ा है वो धार्मिक पासे भी अगे होए, वो बड़ा सानू खुशी हुंदी है। भैन जी अमूमन तकरीबन डेली इत्थे सहज पाठ आके देने करते हैं, बड़ी एक खुशी है जी साडे पिंड विच कि असी ये उस इलाके च लै रहे हैं जिथे इहो जिहे लोकी भी रहिंदे ने जी। सो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच किन्ने राग ने? राग किन्ने ने? राग चल तू खड़ी, बड़ा चिरात मां खड़ी की, 31 राग ने। ठीक है जी, गुरु ग्रंथ साहिब बाणी रागां च है, ये 31 राग ने, रागां ने वारां। अच्छा एक जनरल सवाल आ जाएगा, राग जिहड़ी बाणी राग, राग तो अलावा सी 12, जिहड़ी बाणी राग दे विच भी नहीं है, जिहड़ी बाणी 12 दे विच भी नहीं है, वह बाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब शामिल है, उस बाणी नूं की कहिंदे ने? जिहड़ी राग ते 12 तों अलग हो जाए गुरु ग्रंथ साहिब जी शामिल है, वह बाणी, उस बाणी नूं कहिंदे ने राग 12 ते वधीक। ये गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी है जिहड़ी राग ते 12 चों परां हो गई सी, वह राग 12 ते वधीक दी। अच्छा श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच किन्नियां 12 दर्ज ने? 12 किन्नियां ने? 12 दसो, 22 12, बहुत वधिया जी। अच्छा हुण एक चीज़ दसो, देखो ये कामन सानू पता होना चाहिए अपने गुरु बारे। देखो ना मैं मान लो एग्जाम्पल छोटी जी, इतने किसी का पर्स सानू डिग्गा मिलेगा तो मेरे को चुके लैणगे भी सैक्टर साहब अनाउंसमेंट करियो किसी का पर्स है, मैं एवें थोड़े दे देंगे, सारे कहणगे मेरा, मैं पक्का पूछांगा भी ये जिहदा पर्स है मैनूं दस्सो इहदे विच की है, तो जिहदा होएगा उहदे दस देगा, जिहदा है नहीं तो फिर सुक्का, इहदा मतलब सुक्का कब्जा कर रहा जिहनूं पता ही नहीं मेरे पर्स च की है, तो वह सुक्का कब्जा भी ये मेरा है। इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब है, जिन्होंने ये नहीं ना पता गुरु ग्रंथ साहिब की है, सुके कब्जे ने भी साडा गुरु है, गुरु के बारे पता होना चाहिए है। गुरु ग्रंथ साहिब 22 12 ने। हुण इहदे नाल रिलेटड सवाल ने सी सिखां, देखो जदों कोई शब्द पढ़ना होवे ना तो शब्द का जिहड़ा मैन सेंट्रल आइडिया, जिस तरह पोइट्री लिखी जाती है ना सेंट्रल आइडिया, बाद च समरी आती है, जिहड़ा मैन सेंट्रल आइडिया शब्द का होंदा ना वह किहदे विच होंदा भला? रहाओ दे विच। इस तरह जिहड़ियां 12 ने, 12 ही तो रहाओ है ही नहीं है, 12 तो कितने भी राओ नहीं है, 12 का सेंटर आइडिया किधर चला गया? पौड़ी दे विच वार जिहड़ी हुंदी है, वार का सेंटर आइडिया जिहड़ी गुरु साहब समझाते हैं, हर एक वार के थले पौड़ी है, वह पौड़ी च लिखिया हुंदा है। अच्छा कई श्लोक इहो जिहे शब्द ने जिन्हां च वार एक श्लोक आउंदा ना, पौड़ी पौड़ी अमूमन शब्दां जांदी है,
पर कई पौड़ी दो बार आती है। देखा ना कई श्लोक वाहगुरु पौड़ी नहीं रहाओ, कई रहाओ दो बार आता कई शब्दों च, वह पता क्यों आता दो बार दस बोले सो निहाल। जिहड़े भी शब्द च रहाओ दो बार आएगा ना, हमेशा पहले च सवाल होएगा, तो गुरु साहब ने लास्ट दूजे जवाब भी सानू दिता है, यह सानू पता होना चाहिए बहुत वधिया। अच्छा गुरु ग्रंथ साहब जिहड़े 31 राग ने, तो सब तो आखिरी राग कि है बच्चे ने बड़े चीर पहले बांह बड़ी करती, बच्चे बेटा उधर क्यों मुड़ गया हूँ बोल, सब तो आखिरी राग कि है? नहीं नहीं राग कि राग जय जयवंती राग, जय जयवंती राग किने उच्चारण किया दस सकता वह भैन जी दसो, भैन जी तुम दसो। हाँ श्री गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दमदमा साहब इस करके द्वारा गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बीड़ तैयार करवानी पई कि गुरु तेग बहादुर महाराज की बाणी शामिल करनी सी, और जय जयवंती जिहड़ा राग है ना वह केवल गुरु तेग बहादुर महाराज ने वरत्या। श्री गुरु ग्रंथ साहब की जी नूं गुरियाई कित्थे अतोए कदों मिली, कदों तू साडे गुरु ने? एक दो तीन चार पाँच बंदे नूं पता है। देखो ये साढ़े धर्म के क्वेश्चन सानू पता होना चाहिए। चल भैन जी तुस दसो। नहीं नहीं बहुत अच्छा 1608 सोलह सौ चार आदि ग्रंथ का प्रकाश दरबार साहब के होया सी। बाबा बुढ़ा जी पहले ग्रंथी से भाई गुरदास जी पासों लिखवाया गया, दूजी बार जिहड़ा सरूप से भाई मणि सिंह जी पासों लिखवाया गया और उहदा प्रकाश 1708 नदेड़ की धरती दे विच होया, जिस तों बाद साडे हवाले च गुरु पातशाह ने गल कही सी सब सिखों को हुकम है गुरु मान्यो ग्रंथ। नितनेम दीआं बाणीआं, अच्छा इस आंसर हो गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंतम भाग दीआं बाणीआं नूं की आखदे ने? हां उह कड़ियां वाला लास्ट एक राग माला एक होर भी नाल है ना मुंदावनी, और मुंदावनी की होंगी है मुंदावनी पता है मुंदावनी का मतलब होंगे? मुंदावनी होंगी है मोर, जिस तरह पुराने समय च मोर होंगी सी ना जिते मोर लग गई ठक यदा मतलब स्टैंप, मुंदावनी है स्टैंप, यदा मतलब है कि गुरु ग्रंथ साहब चुने एक लफ्ज़ भी कोई शामिल नहीं कर सकता, यह मुंदावनी है। मुंदावनी का मतलब होंगे मोर लग गई, गुरु साहब ने लास्ट च मोर ला दी और मोर ला के साडे हिस्से दे विच वह ग्रंथ दे दिता है। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा सारिया का, बड़ी कोशिश की है तुसी बई जिन्ना भी हो सकिया तुसी बाणी चेते रखी है, कोशिश करया करो, बड़ी चंगी गल है। बड़ा प्यारा बच्चों ने शब्द पढ़िया हर्ष होरां ने, बाकमाल आवाज़ के पढ़िया, बड़ी खुशी है सानू कि साडे इलाके दे विच जिहड़ा भी आंदा है वह गुरु पातशाह की कृपा दे नाल। देखो जिस तरह असीं आप होवांगे इस तरह साडे नाल संबंध बनणगे, सो गुरु कृपा करे इस तरह सारिया ने हुण मिल